तो दोस्तों मामी ने काफ़ी इंतज़ार करवाया तो मामी आ गई है। ये पानी का बहाव देखिए कितना मस्त साफ क्लियरिटी पानी है। ये दोस्तों भीड़ नहीं है बस में, कम ही लोग जा रहे हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं तीली रोतली समिति द्वारा है यहाँ पर। ये है भीड़ वाला चौक बिरुखाल का और सामने मामी जी धूप सेक रही है। तो दोस्तों मैं कांडा तल्ला में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज कल दोस्तों मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है और टाइम हो गया है 7:30। तो आज दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने गांव, यानी अपने घर में। तो वहाँ का मैं आपको साथ दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ शादी का फंक्शन है, तो वहाँ शादी में शामिल होने जा रहा हूँ। तो आपको सारा डिटेल वहाँ का दिखाऊंगा कि हमारे पहाड़ों में शादी किस प्रकार की होती है और कैसे कैसे कल्चर है हमारे पहाड़ों में। और बाकी दोस्तों मौसम की बात करूँ तो मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है, बढ़िया हो रखा है, और आपको दिखा देता हूँ कि पहाड़ों का मौसम कैसा हो रखा है। देखिए दोस्तों अभी पहाड़ों में ना धूप आने के अभी टाइम है, समय है धूप आने में। और देखिए अभी मौसम काफ़ी मस्त है, ठंडा नहीं है अभी इतना टाइम, और चलने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने गांव और पहाड़ों में काफ़ी मस्त धूप लगी हुई है, धूप आ गई है और मैं अभी कच्चे रास्ते पर हूँ, मेन रोड पर पहुँचने वाला हूँ। अभी मैं सिरोली वाले रास्ते में, ये खितोटे वाला गाँव रास्ता है, कच्चा रास्ता है, कच्चा रोड है ये, तो वहाँ से होके निकल रहा हूँ अभी। सामने दोस्तों ये देखिए गांव कितना मस्त दिखाई देता है, ये मेठना घाट गांव कितना मस्त दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मिन्नू भाई की जो है गाड़ी चले गई है, वो गाड़ी सामने जा रही है, बट वो उसमें कहा था कि मामी आ रही है, तो मामी अभी आई नहीं है, तो मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं अभी पैदल पैदल चल रहा हूँ। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ सिरोली वाले पुल पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मामी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मामी कब तक आती है? तो मामी मुझे दिखाई दे रही है, तो मामी आने वाली है। और बाकी आप पीछे देख सकते हैं तो ये मैठना गांव दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी सुंदर गांव है और धूप बड़ी मस्त लगी हुई है। तो दोस्तों मामी ने काफ़ी इंतज़ार करवाया तो मामी आ गई है। और ये देखिए कितना मस्त पानी आ रहा है, पानी का बहाव देखिए आप, पहाड़ों से कितना मस्त पानी आ रहा है, बहुत तेज़ पानी आ रहा है देखिए। आप क्लियरिटी पानी है क्रिस्टल। और अभी मैं सिरोली में खड़ा हूँ, यहाँ पर सिरोली का पुल है सामने, तो वहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर। तो उसमें ये नाली सी बन रही है, नाली देख रहे होंगे आप, इसको हम कूल बोलते हैं, कूल अपनी भाषा में। तो ये है दोस्तों सामने सिरोली का पुल, इसका निर्माण अभी हो रखा है, नया बन रखा है, इसका चौड़ीकरण भी हो गया है पुल का, ये देखिए। दोस्तों मैं बिरुखाल में उतर गया हूँ और यहाँ पर ये तिलू रोतली की आप तस्वीर दे सकते हैं। अब बाकी ये बस खड़ी है सामने, तो इस बस में जाना है, 10:30 बजे की बस है, कांडा में उतरना है हमने, कांडा गांव में, ठीक है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं बिरुखाल का गेट, दे सकते हैं सामने गेट लगा हुआ है। और बाकी अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर आगे आपको मिलते हैं गाँव में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर धूप बड़ी मस्त लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने गेट लगा हुआ है और यहाँ बिरुखाल के लिए यहाँ से बनती है बस कांडा गांव के लिए, ठीक है। रिकनी खाल की बस है सामने, ये खड़ी है, तो रिकनी खाल की बस। बाकी आप देख सकते हैं आसपास धूप सेक रहे हैं मस्त और सामने ये बस खड़ी है। तो हम बिरुखाल में अभी रुके हैं, तो 10:30 बजे का टाइम है, तो ये लिखा हुआ है गेट सामने, तिलू रोतली स्मृति द्वार है, यहाँ पर बिरुखाल आगमन पर आपका स्वागत है, ये लिखा हुआ है सामने। तो फाइनली दोस्तों बिरुखाल में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर बस रुकी पड़ी है और ये बस सामने देख रहे हैं, तो ये जाएगी
कांड गांव के लिए। ठीक है, तो यहीं से हमने जाना है, जो ये कोटद्वार से होके आती है, तो कोटद्वार से होके ये फिर जाएगी रिकणीखाल होके जाएगी। ठीक है दोस्तों, पीछे आप देखेंगे तो ये तीन रौतेली जी की स्टैचू है बना हुआ, है ना, ये स्टैचू सामने देखेंगे, स्टैचू है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं तीली रौतेली संत द्वार है यहाँ पर, ये जो विब्रू खाल में पड़ता है। ये सामने तीली रौतेली बीरबाला की स्टैचू, तो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि धूप की किरणें आ रही हैं फोन में, तो इस वजह से कैमरे में आपको क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों बस की टाइमिंग है 10:30 बजे की, तो यहाँ से 10:30 बजे निकलेगी बस, तो ये है रोडवेज बस। ठीक है, तो यहीं से हमने आगे की तरफ कांड गांव जाना है मैंने अपने गांव, तो वहाँ से तलाई पट्टी खाट ली, तो आपको वहाँ का दिखाएंगे, वहाँ कैसा कैसा फंक्शन है, शादी है वहाँ पर, तो मैं और मामी जा रहे हैं शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए। और दोस्तों मौसम की बात करूँ तो मौसम पहाड़ों का काफ़ी गजब हो रखा है, और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में कितनी मस्त धूप खिली हुई है, तो आपको यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त धूप लगी हुई है पहाड़ों में। और दोस्तों शहरों में तो ठंड से काफ़ी बुरा हाल है, और यहाँ पर तो काफ़ी मस्त धूप लगी हुई है, और यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं लोग, काफ़ी लोग हैं धूप सेक रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन है, तो संडे के दिन मार्केट थोड़ी बंद है, अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। तो आगे आगे यहाँ चौराहे से, ये चौराहे है तीली रौतेली जी का, बीरबाला चौराहे बोलते हैं, पीछे देख रहे होंगे आप, तो आगे की तरफ आपको बीरूखाल की मार्केट दिखाई दे जाएगी। तो नीचे की तरफ दोस्तों आप देखेंगे तो नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो ये है मार्केट, जहाँ से ये रोड गाड़ियाँ देख रहे होंगे, गाड़ी आ रही है नीचे से। ओके, तो इसी रोड को होके जाना है हमने अपने गांव की ओर। ठीक है, यहाँ पर PWD का ऑफिस ही पड़ता है, बाकी ये यहाँ पर अब साइड ही बना दी है, क्षेत्र पंचायत का शेड है बना हुआ क्षेत्र पंचायत द्वारा, तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ये बना रखी है शेड, तो यहाँ पर लिखा भी है क्षेत्र पंचायत गुरुखाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, तो ये शेड सी बनी हुई है, यहाँ पर पैसेंजर अपना बस का वेट करते हैं, तो यहीं से बस आगे की ओर बन के जाती है। और सामने देखिए टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर टैक्सियाँ रुकती हैं ना, यहाँ से जहाँ आपका गंतव्य स्थान है तो वहाँ पर आप के लिए यहाँ पर टैक्सी वगैरह बनती है, ये टैक्सी स्टैंड देख रहे हैं आप, और सामने ये मार्केट है नीचे की तरफ, और मैं ऊपर की तरफ वाली रोड में चल रहा हूँ। तो दोस्तों 10:30 हो गए, 10:30 अभी हुए ही नहीं है, अभी 10:15 हो रखे हैं, तो अभी बस जाने में 15 मिनट का समय है, तो जाएंगे 15 मिनट का समय का वेट करते हैं, उसके बाद बस आगे की ओर प्रस्थान करेगी। और दोस्तों ये वाला बोर्ड देख सकते हैं, तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कार्यालय विकास अधिकारी, तो यहाँ PWD का ऑफिस भी है, इस तरफ का एरो है तो इस तरफ को रास्ता जा रहा है PWD का, तो मैं अभी अंदर नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता क्योंकि बस के जाने का टाइम हो रहा है। ये है बीरबाला चौक बीरूखाल का।
बैठ गया हूँ दोस्तों बस में, और ये बस पीछे वाले देख सकते हैं आप, रोडवेज बस है, और पीछे आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं सब। तो दोस्तों मैं कांडा तल्ला में पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, और यहाँ पर ये मार्केट है, और अपने गाँव में पहुँचने वाला हूँ मैं। पीछे से आपको दिखा देता हूँ कि कितनी समुद्र तल की ऊंचाई पे हूँ मैं इस टाइम। तो ये लिखा है दोस्तों यहाँ पर, ग्राम नाम कांडा तल्ला, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी है 1118 मीटर की ऊंचाई पे है अभी। और अभी दोस्तों पहाड़ों में ना इधर को धुंध लगी हुई है, अब वो कोरा कोरा दिखाई दे रहा होगा, अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है ना। और ये है दोस्तों कांडा तल्ला की मार्केट, ये छोटी सी मार्केट है। अभी दरअसल क्या है, तो यहाँ पर गाड़ी का वेट कर रहे हैं, तो गाड़ी आएगी तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और बुकिंग पे जाते हैं यहाँ पर 300 रुपीज़ में हमें जाना है पल्ले, मतलब उस साइड को, पल्ली तरफ को, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे गांव वाला रास्ता है, और ये देख रहे होंगे रोड काफ़ी कच्ची हो रखी है, ये गांव वालों ने ही बना रखी है, गांव पंचायती वालों ने। तो ये है दोस्तों बहुत ही खतरनाक नदी, इस नदी को पार करके जाना है दूसरी तरफ को, और जब बरसात का मौसम होता है ना, तो बरसात के मौसम में यहाँ पर काफ़ी पानी का बहाव बढ़ जाता है, तो यहाँ से गाड़ी का आना जाना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी पानी भरा हुआ है, पानी आने जाने में देखिए, पानी का लेवल देखिए, अब भी देखिए कितना बड़ा हुआ है, बरसात में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उतर गए हैं, अब यहाँ से जाएंगे नीचे की तरफ, और ये गाड़ी सामने खड़ी है, ये सामान आ रखा है शादी का, ये शादी का सामान देख रहे हैं पिछली तरफ, ये शादी का सामान है, भाई साहब ला रखे हैं, और मामी भी जा रही है अब, चलो मामी प्लस मेरे बदल। तो ये है रास्ता दोस्तों, तो ये है रास्ता दोस्तों मेरे तलाई गाँव जाने के लिए, तल्ली गाँव, और हम उतर गए हैं। तो ये रास्ता देख रहे होंगे आप, ये सामने से कोई गांव का भी आ रहा है, और रास्ते देखिए कितने ख़राब हो रखे हैं। तो हम जा रहे हैं, मामी आराम आराम से चल रही है धीरे धीरे करके, और मैं भी पीछे से वीडियो बना रहा हूँ, वो सामने गांव दिखाई दे रहा है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे।